अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इस्माइल रज़ा। आप हमारा चैनल शॉकिंग न्यूज़ देख रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अलामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को अलर्ट रहने की कॉल और हुकूमत वक्त को वार्निंग दी। और क्या वार्निंग दी? और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने पाक फौज को देखते ही तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ऐसी नई मोहब्बत मिसाल कायम की के मुखालफीन भी परेशान और मुखालफीन के मुंह पर जोरदार तमाचा मार दी। जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान और पाक फौज के दरमियान रुकावटें डालने चाहते थे या इंतशार फैलाना चाहते थे, और आज तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ने पाक फौज से मोहब्बत करके मुखालफीन इमरान खान जो पीटीआई पाक फौज के खिलाफ मुहिम चलाई थी उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा और कहा कि अपने अपने बच्चों को जाके बॉर्डरों पे भेजो, अपने बच्चों की जानें वतन पे पेश करो, तुम लोगों को तब पता चलेगा एक फौजी जवान और एक माँ की बेटे की जो जिंदगी होती है उसकी अहमियत क्या है, उसकी कीमत क्या है। ये तो आप लोग वीडियो पे बैठ के बातें करते हो, तुम लोगों को पता चले कि एक फौजी जवान की जान की कीमत कितनी है और उसकी कदर कितनी है। मोहतरम नाज़रीन, सबसे उत्तर से मुतल्लिक आपको गा करूँगा, उम्मीद है कि आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे। मोहतरम नाज़रीन, सबसे उत्तर से मुतल्लिक आपको गा करने से पहले आपसे छोटी दरख्वास्त, अगर हमारे चैनल पर नहीं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपना कीमती राय कमेंट सेक्शन में लाजमी करेगा। मोहतरम नाज़रीन, जैसे ही हमारे चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज़ बेल आइकन को आल पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके, आपका और हमारा रब्ता जुड़ा रह सके। मोहतरम नाज़रीन, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को अलर्ट रहने का अलामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने कह दिया है, क्योंकि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का कायदीन अपने हर कॉन्फ्रेंस में हुकूमत वक्त को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत को कम किया जाए और जो अशिया की कीमतें हैं उनको कम किया जाए और जो जो महंगाई है उसको ख़त्म किया जाए, उसको रोका जाए, लेकिन हुकूमत वक्त जो है उसको अभी इतना सीरियस नहीं ले रही। जबकि अलामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने वाजिया कह दिया है अगर हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल कीमतों में इजाफा करना ना रोका और कीमत कम ना की फिर हम रमजान मुबारक के बाद ऐसी कॉल देंगे कि तारीख याद रखेगी। और अलामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने अपने कारकुनान को अलर्ट रहने का कह दिया है कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान हैं वो जो पीटीआई के जो इंतशार फैलाना चाहती है इंतशार फैला रही है, पाक फौज के खिलाफ मुहिम चला रही है, उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई दे। और अलामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान कारकुनान को अलर्ट रहने का कह दिया है कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान कारकुनान हर वक्त तैयार रहें और अपने मरकज के मद्देनजर रहें और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का काम दिन रात करें। और अलामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब का गुजरने वाले में इस्तकबाल था तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के ने जब तहरीके लब्बैक पाकिस्तान कारकुनान जब जीटी रोड रोड पर पहुंचे और पाक फौज की उधर एक दस्ता किया, उन्होंने पाक फौज से मोहब्बत का इजहार किया और लब्बैक लब्बैक या रसूल सल्लम से उनका इस्तकबाल किया, फूल की पत्तियां निशावर की और पाक फौज ने भी उनको सलाम में पेश किया और पाक फौज से मोहब्बत दिखाकर मुखालफी के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा कि पाक फौज भी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की है, पाकिस्तान भी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का है, लेकिन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का इंशाल्लाह दौरे हुकूमत जल्द ही आएगा। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो से मुतल्लिक अपना कीमती राय कमेंट सेक्शन में करेगा, इस वीडियो को लाइक करेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलता है वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।